रेखा एकदम सीधी होती है, लेकिन अभिनेत्री रेखा की निजी जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी रही है। एक ज्योतिष ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि रेखा के ग्रहों का कुछ ऐसा मेल है कि उन्हें पति सुख कभी नहीं मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं उन पुरुषों की जिनके साथ रेखा का नाम जुड़ा। नवीन निश्चल। रेखा ने हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री सावन भादो से शुरुआत की थी, जिसमें उनके हीरो नवीन निश्चल थे। नवीन की तरफ रेखा आकर्षित हुई थी, लेकिन नवीन को उनमें रुचि नहीं थी। नवीन के प्रति रेखा की दीवानगी एक तरफा थी और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते ये दीवानगी भी खत्म हो गई। विनोद मेहरा। विनोद मेहरा और रेखा के रोमांस के खूब चर्चे हुए। कहा जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। हालांकि एक टीवी शो में रेखा ने इससे इनकार करते हुए विनोद को अपना अच्छा दोस्त बताया था। रेखा और विनोद में अलगाव की वजह विनोद की मां को बताया जाता है। किरण कुमार। किरण कुमार के साथ रेखा का नाम कुछ समय के लिए जुड़ा। कहा जाता है कि विनोद मेहरा से संबंध टूटने के बाद रेखा बहुत निराश थी और किरण ने उन्हें ऐसे समय रोने के लिए कंधा दिया। संजय दत्त। संजय दत्त से नजदीकियों की चर्चा भी हुई और दोनों की शादी करने की खबरें भी आई, लेकिन इन बातों में कोई दम नहीं था। अमिताभ बच्चन। रेखा जिस पुरुष की तलाश में थी उन्हें अमिताभ ने मिला। अमिताभ से मिलने के बाद रेखा का काया पलट हो गया। लुक से लेकर तो रेखा की सोच तक में बदलाव आ गया। रेखा और अमिताभ ने कई फिल्मों में साथ काम किया। रेखा के दोस्त के बंगले पर अक्सर वे मुलाकात करते थे। कूली के सेट पर अमिताभ का एक्सीडेंट हो गया। ठीक होने के बाद अमिताभ ने रेखा से दूरी बना ली। कहते हैं कि रेखा ने आज भी अपने मन में अमिताभ को बसाया हुआ है और वे आज भी उन्हें उसी तरह चाहती हैं जिस तरह वर्षों पहले चाहती थी। मुकेश अग्रवाल। रेखा ने 1990 में नई दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से रेखा हिल गई और फिर उनका नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा।